अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। जो जी दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक दुकान पे जो कि जिसका नाम है स्मार्ट पेंट हाउस, जो कि पेंट की दुकान है। ये उनकी मेन बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी शॉप है। तो चलो चलती है दोस्तों, देखते हैं आगे इनकी पेंट शेड की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये दोस्तों माशाल्लाह शॉप है, देखे पूरी दुकान भरी भरी है पेंट से। और ये मशीनें हैं जिससे मतलब कि पेंट मिक्स करते हैं। ये बर्जर की मशीन है, ये आप देख सकते हैं, ये कलर मिक्स करते हैं। और ये ड्यूलेक्स की है, ICI की, जो कि बहुत ही महंगी है। और ये कंपनी इनको देती है, जो बड़े दुकानदार होते हैं सिर्फ उनको देते हैं, छोटे मोटे दुकानदार को नहीं देते। ये देखें फ्लैक्स वगैरह भी लगी हुई है बर्जर पेंट की, बाहर ड्यूलेक्स पेंट की मैंने आपको दिखाई है फर्स्ट में। और ये गैलन्स हैं, छोटी बाल्टियां जो होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बाल्टीज हैं, डायमंड, ड्यूलक्स और बटर की। और ये स्प्रे हैं, और ये टिंटर वगैरह, ये और टेप वगैरह होगी। और ये ट्यूब है कलर, ये भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है दरवाजे के लिए, वुड केयर में काम आती है ये। और साथ में आप अगर ये देखें लैकर और सीलर, ये लैकर मेरे ख्याल से लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए उन्होंने ऊपर प्रिंट भी किया हुआ है। वुड केयर। और ये मास्टर की छोटी डब्बी है, पेंट है जो इनेमल, जो कि लोहे के लिए इस्तेमाल होता है। ये डब्बी है और ये क्वार्टर है, आप देख सकते हैं। और इसमें गैलन्स भी होते हैं, जैसा कि ये गैलन्स है इसमें। और ऐसे ही आप देखें तो बर्जर में भी पेंट इनेमल है, वो मास्टर का इनेमल था, ये बर्जर का इनेमल है, लोहे के लिए इस्तेमाल होता है। और ये टेप है परी हुई है, जो कि इस्तेमाल होती है दरवाजों पे, जब पेंट करते हैं ना साइड पे लगाते हैं कि दूसरा कलर अटैच ना हो। और ये देखें आप, डायमंड का ड्यूरा सिल्क पेंट है ब्लैक, और ये ऊपर सुपर इमल्शन डायमंड का कोल्ड ब्लू, लेवेंडर वाइट। ये चले चलते हैं भाई से, ये पूछते हैं, जो दुकान के मालिक हैं उनसे पूछते हैं कि ये क्या प्राइस है इनकी, और क्या मतलब के रेट शेट है, कौन सा पेंट बेहतर है, कौन सा पेंट नहीं बेहतर। चले चलते हैं भाई से पूछते हैं, और कौन सा पेंट अच्छा है और अच्छा नहीं है, ये भी भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह पाक का करम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान है और मैं इस दुकान का मैनेजर हूँ। तो सर, आपको कितना अरसा हो गया? मुझे कुछ 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। माशाल्लाह 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर, ये एक्सपीरियंस के हवाले से आप हमें फिर थोड़ी गाइडेंस दें कि पेंट कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा, और क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, इसमें कैसी कैटेगरीज हैं वो बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, असल में ना इसमें होता है कि कंपनीज का फर्क होता है, कुछ मल्टीनेशनल होती हैं, कुछ नेशनल होती हैं। मल्टीनेशनल का जो फार्मूला होता है वो बाहर का होता है, मतलब जिसमें आपका जोकन आ जाता है, बर्जर आ जाता है और ड्यूलेक्स आ जाता है। जी जी। उसके बाद आ जाता है डायमंड, आ जाता है आपका जी, जो भी नीचे है मतलब के। जी जी। तो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, वो आते हैं 3 कैटेगरी के, एक तो आते हैं लो, दूसरा मिडल और तीसरा हाई। उस लिहाज से कंपनियों ने भी पेंट को कैटेगराइज किया हुआ है,
उनकी कवरिंग के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से जी, तो तीन क्वालिटी मतलब की हुई है, तीन किस्म की क्वालिटी है, मतलब की क्वालिटी की हुई है। ठीक ठीक, क्योंकि वो कोई मिडल मैन है तो वो मिडल रेंज का उसी हवाले से जो हाई है वो उस लिहाज से करवाएगा। हालांकि एट दी एंड आप देखिए ना, मिडल और हाई जो भी है एट दी एंड आप पोस्ट देखेंगे तो सेम होता है, क्योंकि लो अगर लेंगे उसकी कवरिंग कम होगी जी, उससे ऊपर वाला लेंगे उससे ज्यादा होगी, और जो हाई वाला लेंगे ना उसकी क्वालिटी और कवरिंग ज्यादा होगी। अच्छा, मतलब कि जो लो क्वालिटी है वो दो अगर बाल्टियां हो तो हाई लेवल की एक होगी, आप डेढ़ लगा ले एट दी एंड कॉस्ट आप देखेंगे तो वो सेम होगी आपकी, खर्चा सेम ही हो जाता है। और जो अप्लाई है मतलब कि आप देखेंगे अब ट्रेंड चल रहा है व्हाइट सीमेंट का जी जी, लोग व्हाइट सीमेंट में ग्लू शिलू डाल के लगा रहे हैं। ये इसका देखें कि इसका जो होता है ना एक नमी को तो वो एक जल्दी कर देता है कुछ जी जी, उसका जो इफेक्ट होता है ना बैड इफेक्ट वो होता है कि आप देखेंगे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं वायर में बाद में, मैंने अक्सर देखा है क्रैक्स वगैरह आए होते हैं, वो क्रैक्स वगैरह इसी वजह से आते हैं कि व्हाइट सीमेंट की वजह से। बेहतरीन जो कंपनी इनका करती है ना जी, वो प्राइमर रिकमेंड करती है सबसे पहले, मतलब कि दीवार पे प्राइमर लगाना चाहिए, आप प्राइमर लगाएं सबसे पहले प्राइमर, उसके बाद फिलिंग। फिलिंग का ये होता है कि आपकी जो दीवार होगी ना देखें ये फ्लेक्स जिस तरह की है जी, फिनिश का हो जाता है, फिनिश आपकी प्यारी ऊपर पेंट। और दूसरा ये है कि लोग मैंने देखा है कि वो बेस पे कम्प्रोमाइज करते हैं, वो बेस सस्ती लगवाना चाहते हैं जी। देखिये आप अपनी बेस ही अच्छी होगी ना तो ऊपर आप सस्ता पेंट भी लगवा सकते हैं, तो फिनिशिंग अच्छी रहेगा। आपकी बेस अगर अच्छी ना होगी तो महंगा पेंट भी ऊपर लगा दे नीचे से ही उखड़ गया तो मतलब कि पैर मजबूत होने चाहिए नीचे से, जैसे वो कहते हैं मजबूत होने चाहिए। शुक्रिया सारा आपका ये हमें बताने का, गाइडेंस देने का। तो गाइस ये आप देख सकते हैं भाई ने जैसा कि बताया कि बेस अच्छी होनी चाहिए नीचे, आप अगर बेस अच्छी रखेंगे तो पेंट आप अगर ऊपर हल्का भी लगा लेंगे ना तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर बेस अच्छी ना हुई तो आप महंगा पेंट भी जितना मर्जी लगवा लें, भाई बता रहे हैं कि वो फिनिशिंग और अच्छा नहीं लगेगा, वो नीचे से उतर जाएगा। तो भाई आप ये मुझे बताएं कि एज अ कस्टमर जब आता है वो कलर का इशू बहुत ज्यादा होता है, कलर पसंद नहीं आता किसी को, तो कलर के हवाले से थोड़ा हमें गाइड करें। देखिए कलर बंदा वैसे हर बंदा दे देता है, लेकिन हमने जो नोट किया है ना जी वो कलर सिलेक्शन का है, कलर सिलेक्ट नहीं होगा जी। तो उसके लिए जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी उन्होंने प्रीव्यू बना देते हैं, मतलब कि वो तस्वीर लेके आपके होता है कि दो तीन कलर आपके जहन में है जो उसका आपको 3D बना देते हैं, प्रीव्यू बना देते हैं जी। उससे आपको ये हो जाता है कि कम ऑप्शन हो जाती है, मतलब तीन कलर में आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह का मेरा कलर लगेगा जी जी। तो दूसरा ये मशीन हमें दी हुई है कि आपका कुछ शेड कार्ड वगैरह होते हैं जो हमारे पास, उसपे कलर अगर नहीं आपको पसंद आ रहा तो हमारे पास ऑप्शन होती है, ये उन्होंने ऑथोराइज डीलर को दी होती है जी, जी। ऑथोराइज डीलर होते हैं ये सिर्फ उनको ही देते हैं जो बड़े दुकान हमारे पास। ये देखे 10,000 तक की कलर की ऑप्शन होती है, हम 10,000 कलर तक बना सकते हैं जी जी, इतने ज्यादा कलर है मतलब। तो इसका यही बेहतर, आप कंपनी के साथ जाएंगे आपको प्रीव्यू मिलेगा जी जी, तो कलर सिलेक्शन में आपको आसानी होगी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है वो ही बस कलर स्कीम देती हैं या दूसरी लोकल भी देती हैं? मल्टीनेशनल मतलब कि दूसरा जो ऊपर जा रहे हैं मतलब कि ब्रांड ऊपर जा रहे हैं उनके, बल्कि सारी कंपनियों ने देख के ना जी जी ये उन्होंने फैसिलिटीज वगैरह कस्टमर को देना शुरू कर, अब ट्रेंड मतलब कि चल रहा है ये भी साथ साथ। सही, बहुत शुक्रिया भाई जान, शान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना गाइड किया, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बता रहा है कि वाकई आप में कुछ है माशाल्लाह, कि आपको 6-7 साल जो हो गए हैं आपने जाया नहीं किए, आपने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह भाई। आपको मैंने दुकान आप भाई की शॉप दिखाई है सारी के कैसी है और कैसी नहीं, आपको पहले मैंने दिखाया बाद में भाई का इंटरव्यू किया, और ये आपको मैंने मशीन वगैरह भी दिखाई है जो भाई बता रहे हैं कि कलर 10,000 तक कलर की स्कीम होती है, वो ये मशीन है उसकी बात कर रहे हैं भाई। तो चलो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।